सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट आप क्या रख सकते हो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे चार ऑल्ट कॉइन के बारे में। तो ये ऑल्ट कॉइन, अगर बिटकॉइन का प्राइस इसी तरह से बढ़ता है, 48,000 एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो ये ऑल्ट कॉइन आपको 2x से लेकर 3x तक का इजीली रिटर्न आपको यहाँ पे दे सकती है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप उसमें क्लिक करके इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मैं कॉल्स सिग्नल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, साथ में जो भी मार्केट की अपडेट होती है वो सारा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन किए हो और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किए हो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में देखें तो बिटकॉइन की प्राइस फिलहाल अभी यहाँ पर चल रही है $46,950। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $200 की ये जो मूविंग एवरेज है इस पर ये बराबर यहाँ पर सपोर्ट बना रही है। अब इस सपोर्ट का मतलब सिंपल सा है कि 48,000 एरिया को ये रिटेस्ट कर दिए, उसके बाद 200 के मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर दिए, तो कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि जो 45,000 का एरिया है बिटकॉइन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये अगर ब्रेकआउट होती है तो फिर आप कुछ यहाँ से डाउन देख सकते हो। अगर 45,000 के एरिया को ब्रेकआउट होती है तो आप लगभग 44 से लेकर 42,000 तक का एरिया को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से ये यहाँ पर सपोर्ट बना रही है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि 48,000 एरिया को ये यहाँ पर ब्रेकआउट करे। अब ऐसे में 48,000 की जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे ऑलरेडी इसने 1, 2, 3 तो 3 बार इसे टच करके ये यहाँ पर इसे वापस आ चुकी है, $45,000 तक यहाँ पर आ चुकी है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है कि 48,000 के एरिया को ब्रेकआउट करे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये ब्रेकआउट करेगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बनेगा कम से कम $55,000 के एरिया को। अब यहाँ पर इस बीच में कई सारे छोटे छोटे आपके रेसिस्टेंस तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैं आपको कई टाइम से आपको बताता आया हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस इसके जो देखने को मिल रहे हैं वो $48,000 ही है। तो अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा चांस बनेगा कि $55,000 के एरिया पर जाए, और वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा आपको एक स्ट्रगल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इन दोनों एरिया को आपको ध्यान रखनी है, $45,000 की और यहाँ पे $48,000 की। जैसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो आपको ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी खासी गेनिंग देखने को मिलेगी, जिसकी मैं अपडेट भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा। और फिलहाल मैं आपको चार ऑल्ट कॉइन भी आपको बता रहा हूँ जिसमें आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो, टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ऑल्ट कॉइन के लिए सबसे अच्छी खबर यहाँ पर यह भी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो लगातार यहाँ पर डाउन जा रही है। फिलहाल बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो 44.08 में यहाँ पर अटकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस एरिया को ब्रेकआउट करके वो और डाउन जाए, और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 41.46 का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ तक अगर इसकी डोमिनेंस आती है तो तब तक जो ऑल्ट कॉइन होंगे उसमें आपको अच्छी खासी गेन देखने को मिलेगी, अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन होंगे उसमें भी आपको एक अच्छा रन देखने को मिलेगा। तो जो ऑल्ट कॉइन है उस पर भी आप जरूर नजर रखना, जो प्रोजेक्टेबल कॉइन है उन सब में आपको एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन पे दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र रखना है, खासकर 48,000 एरिया को ब्रेकआउट करने के लिए, और जैसे ही ब्रेकआउट करती है सभी पे आपको रैली देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ब्रेकआउट करेगी, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो 48,000 का एरिया है वो उसे यहाँ पर ब्रेकआउट करे। तो अब हम बात करते हैं चार कॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन के बारे में, जो प्रोजेक्टेबल भी काफ़ी अच्छी कॉइन है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे चूज करते हो, 1 साल 2 साल के लिए भी जो अगर चूज करते हो, तो यहाँ से मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि 10x तक का इजीली रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मिड टर्म के लिए भी रखना चाहो तो मिड टर्म में भी आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकती है, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छी प्रॉफिट दे सकती है अगर बिटकॉइन 48,000 एरिया को ब्रेकआउट करती है। तो इसमें से जो पहली कॉइन मैंने चूज किया है वो C98 है, जिसमें अभी तक कुछ खास बड़े पंप हमें देखने को नहीं मिले। बता दूं प्रोजेक्टेबल ये काफ़ी बेटर कॉइन है, और जितने भी एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट हैं, जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट हो, सेपल वॉलेट हो, इस तरह के जितने भी वॉलेट हैं उन सबसे ये शानदार वॉलेट है, काफ़ी एडवांस बनाई गई है, जहाँ पर डेफी के प्रोजेक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। इसकी अगर आप सप्लाई देखोगे तो 1 बिलियन का सप्लाई है, और सिर्फ अभी 19% ही अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे यहाँ पे चल रहे हैं। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी।
तो महज 272 मिलियन डॉलर का ही यहाँ पर सप्लाई है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि अभी बताती है कि C98 पे अभी ओसे पंप नहीं देखने को मिले जैसा हमें देखने को मिलना चाहिए, जैसा कि हमें सेपल में देखने को मिला था, जैसा कि हमें अदर वन इंच एक्सचेंज में देखने को मिला था। तो ठीक इस तरह का भी हमें पंप देखने को नहीं मिला है, तो चांसेस है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पंप आपको देखने को मिलेगा। इसके वॉलेट में अगर आप देखोगे तो इथेरियम के, बाइनेंस स्मार्ट चेन के, सोलाना के, एवलांस के, ट्रॉन के, इस तरह के बहुत सारे जितने भी नेटवर्क है उसके टोकन को ये सपोर्ट करती है। और अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इसके रोड मैप पे है, जहाँ की इसमें लॉन्च पेड लॉन्च करने की बात कही जा रही है, लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो जैसे यहाँ पर NFT मार्केट प्लेस भी यहाँ पर लॉन्च होने वाली है, डेरिवेटिव मार्केट्स भी यहाँ पर लॉन्च हो सकती है। तो इसके जो रोड मैप है, अगर इसी हिसाब से सभी चीज़ें यहाँ पर लॉन्च होते हैं तो आने वाले टाइम पे ये आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। और मेरा अंदाजा है कि अगले एक साल तक में अंदर में ये आपको लगभग से लगभग $10 तक में आपको देखने को ये मिलेगा। दूसरी दोस्तों ओल्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो यूनीलैंड को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिलहाल प्राइस चल रही है $1.26 की। यहाँ पर बेसिकली इसे चूज करने के बारे में बात करें तो इसकी हमें मार्केट कैप यहाँ पर देखनी पड़ेगी, जो कि महज $39 मिलियन का मार्केट कैप है। सप्लाई अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन का यहाँ पर सप्लाई है और महज 31% अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है। तो मार्केट कैप काफ़ी कम है। आप चाहो तो इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए मार्केट कैप बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक मार्केट कैप अच्छी लिमिट में ही होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने का दूसरा चीज़ बात करें तो यहाँ पे इसके ट्विटर हैंडल पे एक न्यूज आई है, जहाँ पे 19 अगस्त को कुछ यहाँ पर लॉन्च होने वाले, आप यहाँ पर देख सकते हो। यूनीलैंड इज गोइंग टू ब्रिंग इट्स परमिशन लेस प्रोटोकॉल, तो अपने परमिशन लेस प्रोटोकॉल को यहाँ पर लाने वाली है। अब इस न्यूज का भी अच्छा खासा हाइप हमें देखने को मिल सकता है और यूनीलैंड में आपको अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब अगर टेक्निकली आप देखोगे तो UFT BUSD का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। अब टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं और जो इसकी सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे इसने दो दिन तक सपोर्ट यहाँ पे बना के रखी है, 1.18 सेट का यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस आगे जाती है, बिटकॉइन का प्राइस इसी तरह से ग्रो करती है, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा। और लगभग मैं एक्सेप्ट करता हूं कि 19 अगस्त तक ये आपको लगभग 1.59, मतलब ऑल टाइम ये इसके हाई है 1.59 का, इसे ये यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी। उसके बाद जो इसके टारगेट होते हैं वो इजीली इसे ब्रेकआउट करेगी, जो कि 1.7 है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हम बात करें तो $2.3 का यहाँ पर टारगेट है, उसके बाद 3.2 का यहाँ पर टारगेट है। तो आने वाले टाइम पे ये इसे भी ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हमें देखने में मिल रही है। तो यहाँ पर हम बाइंग जोन के बारे में बात करें तो $1 से लेकर ये इसके बाइंग जोन है, अभी तक का जो भी प्राइस है ये इसका बाइंग जोन है। तो चाहो तो आप इसे यहाँ पर बाय कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हो तो लगभग 73 सेंट का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। हालांकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से आपको अच्छी खासी गेन देखने को मिलेगी। अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से स्टेबल होता है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से अप जाती है, तो ये कॉइन कम से कम आपको 2x से 3x तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, बाकी का मिड टर्म लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे ये अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे सकती है। टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया, $1.5 का शॉर्ट टर्म का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। मिड टर्म के टारगेट के बारे में बात करें तो $2.3 का टारगेट आप रख सकते हो और लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर बात करें तो 3.2 का टारगेट रख सकते हो। ऑल टाइम हाई बात करें तो $3.8 का ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद $5 का भी ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, तो आप उसका भी टारगेट आप लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। तीसरी दोस्तों कॉइन के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो सेंड को आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, जो कि अगर आप यहाँ पे देखो तो लगातार कई दिनों से एक ही एरिया पे यहाँ पर सपोर्ट बना रही है। इस सपोर्ट एरिया का बात करें तो लगभग 0.60 सेंट पे यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कई टाइम से यहाँ पर सपोर्ट बना रही है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो ये एक NFT प्रोजेक्ट है, गेमिंग प्रोजेक्ट है, और अभी तक जिस हिसाब से NFT एंड गेमिंग प्रोजेक्ट में हमें बूम देखने को मिला है, रैली देखने को मिल रही है, उस हिसाब से अभी तक फिलहाल हमें ऐसी कुछ खास रैली इसमें देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहले हम बात करें तो बेशक ये एक अच्छी प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम पे ये बढ़िया रिटर्न देगी। महज अभी 29% इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई पे है और सप्लाई इसके अगर टोटल सप्लाई आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 3 बिलियन का सप्लाई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट से कुछ ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छी है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको लॉन्ग टर्म पे वन ईयर टू ईयर के अंदर में 10x तक का रिटर्न इजिली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बारे में। तो मिड टर्म पे ये इजीली आपको अच्छा प्रॉफिट आपने देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट बना रही है, साथ में जो इसके छोटा सा रेजिस्टेंस है ये इसे ब्रेकआउट करने पे लगी है जो कि लगभग 0.68 का है। तो जैसे ही इसे यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो 83 सेंट तक आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पर लगभग $1 से लेकर $2 तक इजीली चांस होंगे कि ये आपको देखने को मिलेगी। इसके हम अगर यहाँ पे बाइंग रेंज के बारे में बात करें तो लगभग 50 सेंट से लेकर ये 67 तक यहाँ पर बाइंग रेंज है, तो इस रेंज तक बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे बाय भी करना चाहते हो तो पार्ट बाय पार्ट ही बाय करें, लेकिन यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये इसे ब्रेकआउट करेगी क्योंकि टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म पे अगर आप इसे स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हो तो लगभग आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो 47 सेंट का, लेकिन शॉर्ट टर्म पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रही है। अगर बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहता है तो ज़्यादा चांस बनेगा कि आपको अच्छी खासी गेनिंग आपको देखने को मिलेगी। चौथी दोस्तों कॉइन के बारे में बात करें तो वो है FTX टोकन FTT। FTT टोकन के बारे में बात करें तो ये FTX एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। जिस तरह से बाइनेंस एक्सचेंज की BNB कॉइन है ठीक इसी तरह से FTX एक्सचेंज की यहाँ पर FTT कॉइन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब हम इस कॉइन के बारे में यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसके रैंक के बारे में। तो रैंक इसकी अगर आप देखोगे तो 34 का रैंक है। अगर आप 3-4 महीने के इसके रन के बारे में बात करें तो इसकी जो रैंक थी वो टॉप 20 में थी जो कि अभी फिलहाल 34 पे है। और इस एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये भी एक ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, FTX एक्सचेंज है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड भी कर सकते हो और काफ़ी ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, तो बाइनेंस की तरह ही ट्रस्टेबल है। तो आप इसके जो टोकन यहाँ पर देख रहे हो इसकी ऑल टाइम हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो $63 का इसने यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है। फिलहाल प्राइस के बारे में बात करें तो $48 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर जो इसकी सप्लाई है वो $345 मिलियन की सप्लाई है जो कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। और मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो लगभग 4 बिलियन का मार्केट कैप है, 4.5 बिलियन का मार्केट कैप है जो कि इससे 10 बिलियन या फिर 12 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पे हुआ करता था। FTX एक्सचेंज काफ़ी ट्रस्टेबल एक्सचेंज है और लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के हिसाब से ये टोकन काफ़ी बेटर है। अगर आप 2-3-4 सालों में इसकी बात करें तो एक बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से रखते हैं। लेकिन जैसा कि हम यहाँ पर पहले बात करेंगे मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बारे में, तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा ये हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और जिसको इसके ऑल टाइम हाई है $63 का, वहाँ से काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब बहुत जल्द ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच करने वाली है। अब अगर यहाँ पर टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पर लगभग $43 पे ये यहाँ पर सपोर्ट बना रही है। अब काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है कि यहाँ पर फिर से थोड़ा सा सपोर्ट बनेगी तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है इसे ब्रेकआउट होगा और जो नेक्स्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा वो $70 से $80 का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पर बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो लगभग 38 से लेकर $40 का लगभग आप सब स्टॉप लॉस यूज़ करके इजीली आप यहाँ पर इसे ट्रेड में ले सकते हो और एक अच्छा खासा यहाँ पर गेन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बिटकॉइन के प्राइस में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर करना है। अगर बिटकॉइन का प्राइस फिर से 48,000 एरिया को टच करके अगर रीटेस्ट करके फिर से अगर डाउन आती है तो इनसे पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा आप कोशिश करें यहाँ पर कि जो भी अब मैंने आपको टोकन बताए हैं कॉइन बताए उसे आप पार्ट बाय पार्ट में आप यहां पर बाय करो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं अगर बिटकॉइन $48,000 एरिया को ब्रेकआउट करती है तो जैसा कि चांस बनता है $55,000 तक जाने की, तो उस हिसाब से अगर इन चारों पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लगभग FTX के ही हम बात करें तो $80 से $90 तक में आपको उस टाइम देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये रहे दोस्तों कुछ जो 4 ओल्ड पॉइंट जो कि मुझे काफ़ी बेटर लग रहे हैं आने वाले टाइम पर आपको बढ़िया प्रॉफिट ये यहाँ पे दे सकता है। अब आप यहाँ पर बाय पार्ट में बाय करो तो बहुत अच्छा है और अगर एक बार में बाय करते हो तो स्टॉप लॉस यूज करना अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ड्रॉप जाती है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डाउन जाती है। बाकी का जो भी मार्केट का सेंटिमेंट बनता है वो मैं अपने टेलीग्राम पे डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।